एसपीएन आई न्यूज़, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में बदलाव हो रहा है और बदलाव हो रहा है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी में। राहुल गांधी इन दिनों जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से देश की जनता के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी में बदलाव हुआ है। अब राहुल गांधी में जो बदलाव हुआ है, इसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसका बड़ा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस नीतियों में बदलाव देखने को मिला है, और कांग्रेस की नीतियां अगर बदलेंगी तो इसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस वक्त बहुत सोच समझ कर बयानबाजी कर रहे हैं और देश की जनता के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश की जनता के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और देश की जनता की जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो देश की स्थितियों को समझ रही है। और हालांकि अगर मैं बात करूं तो विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को कुछ सलाह देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन सलाह को नहीं मान रही। हालांकि अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने काफी समय से ये बात कही है कि केंद्र सरकार को जो पैसे हैं वो उन लोगों के अकाउंट में देने चाहिए जो लोग इस वक्त काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं, खास तौर पर माइग्रेंट लेबर जो है उनको बहुत बड़ी इस वक्त बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जो पलायन करते हुए जा रहे हैं, जो पलायन कर चुके हैं, ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट जो खड़ा हुआ है, केंद्र सरकार को इन लोगों के खातों में कुछ पैसे हर महीने देने चाहिए ताकि इनकी आर्थिक परेशानी दूर हो सके। और मैं बात कर लेता हूं कांग्रेस पार्टी की नीतियों की, तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां बदलती नजर आ रही है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को दिखता भी नजर आ रहा है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी की नीतियां बदल रही है और इससे बीजेपी को खतरा लगने लगा है। देखिए ये खास। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली। जी हां, अगर बात की जाए तो इस वक्त देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर सियासत ना करते हुए देश के लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए निकल पड़ी हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी नीतियों में बदलाव किया है, इसके साथ ही साथ कांग्रेस अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रही है कि वो देश के लोगों की जिंदगियों को बचा सके। वहीं अगर बात की जाए, बीते कुछ पहले कांग्रेस पार्टी ने कुछ फंड का ऐलान किया था और ये फंड देश में कोरोना मरीजों के लिए दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अब जो कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं इस पर राजनीति करने से बचती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ वो केंद्र सरकार से भी अपील कर रही है कि इस वक्त सियासत करने की बजाय लोगों की जिंदगी को बचाने पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको बता दें कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देश में देखने को मिल रही है और बीजेपी नेता इस पर अब विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साध रहे हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष को ये समझना होगा कि सत्ता पक्ष रहते हुए उन्हें लोगों की जिंदगियों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वक्त जो मुद्दा है वो बयानबाजी करने का नहीं है बल्कि देश के लोगों की ज़िंदगी को बचाने का है। आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जिस तरह से अस्पतालों की स्थितियां ख़राब हुई पड़ी हैं और जिस तरह से बहुत सारे ऑक्सीजन्स की कमी देखने को मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमी देखने को मिल रही है, इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो अभी तक मरीजों को नहीं मिल पाई है। हालांकि अगर बात की जाए तो सरकार कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस मामले में देरी की है उस पर अब जनता और विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार खामोश है, क्योंकि सरकार ये बात जानती है कि उसने ढिलाई बरती है। जिस तरह से बीते साल देखने को मिला था कि सरकार ने स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला था, लेकिन इस बार सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है और सरकार की इसी गलती की वजह से देश के लोगों को बड़ा भुगतान अब करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी की बात पहले ही कर दी गई थी और पहले ही यह बता दिया गया था कि सरकार को कि ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि विदेशी स्तर से अब ऑक्सीजन की बड़ी खेप यहाँ पर पहुँचाई जा रही है और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए विदेशों की तरफ से भी हाथ बढ़ाया गया है, तो ऐसे में इस वक्त ये ध्यान देना होगा कि राजनीति करने के बजाय इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कोई भी मुद्दा होता है उस पर राजनीति करने से लोग बाज नहीं आते हैं और राजनीति का स्तर
छेड़ देते हैं। तो राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि किस तरह से लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए और बड़े स्तर पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाए। देखा आपने कांग्रेस पार्टी की नीतियां बदल रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ खड़ी नजर आ रही है और देश की जनता को सच्चाई बताने की कोशिश भी की जा रही है। जिस तरह से बात की जाए राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, कांग्रेस के अन्य नेताओं की, तो वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार भेदभाव कर रही है और केंद्र सरकार को भेदभाव करने का हक नहीं है। अब हम फ्री वैक्सीन पर बात कर लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने बात कही थी फ्री वैक्सीन की, फ्री वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब फ्री वैक्सीन पर भी सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर मुद्दा गरमा चुका है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास बजट नहीं है फ्री वैक्सीन के लिए, तो वो अभी फिलहाल इस पर पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो राज्य है वहां पर जो फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी इसका क्या खर्च केंद्र सरकार देगी, या फिर इसका खर्च वो लोग देंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे। और वैक्सीन की कीमतें भी देखने को मिली है, कुछ अलग अलग स्तर पर वैक्सीन की कीमतें, जिससे साफ पता चल रहा है कि वैक्सीन की कीमतें अलग हैं। और यहां पर सबसे बड़ी जो फ्री वैक्सीन की बात है वो अब देखने को मिल रही है कि क्या राज्य सरकार इस फ्री वैक्सीन का खर्चा उठाएगी या फिर जो जनता है उसको इसका खर्च देना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह से मुद्दे हैं जो सामने आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से जो ये फ्री वैक्सीन है वो उसका खर्चा क्या राज्य सरकारें देंगी या फिर लोग देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार को इस वक्त देखना होगा कि लोगों की स्थिति इस वक्त खराब हो चुकी है, राज्य सरकारों का बजट खराब हो चुका है, तो केंद्र सरकार को ये फ्री वैक्सीन का खर्चा खुद उठाना होगा ताकि लोगों पर भी इसका बोझ ना पड़े और राज्य सरकारों पर भी इसका बोझ ना पड़े। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।